जिनको भी अपने घर में गणेश जी रखने हैं, आप टाइम नोट कर लो, 30 अगस्त 2022 को आप अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर सकते हो। और शुभ मुहूर्त है, कल तक का मुहूर्त है, 31 अगस्त 2022 बुधवार। अभी लिख लो जिसने लिखने हैं। आज दोपहर से 3:33 पर आप गणेश जी रख सकते हो, तो कल का समय है 31 अगस्त दोपहर के 3:22। उससे पहले अगर आप रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होंगी। आज दोपहर के 3 बजे और कल दोपहर के 3:30 तक आप अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर सकते हो। अगर इससे पहले करते हो तो आपको फलित नहीं मिलेगा। चलो, आज आपके बीच में अंजना मैडम बैठे हैं। अंजना मैडम, आपका स्वागत है। और आज आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ मैडम को बतानी है और अपने फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हो। वेलकम टू अंजना मैम, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। बोलिए मैडम अंजना मैम, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी सर, आज सर सबसे पहले तो सबका स्वागत है। ओके मैम, के तरफ पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। चल करें आज स्टार्ट फिर। हाँ जी, और जिन्होंने मैडम से कोर्स सीखना है पहले उनके बारे में आप बतला दें और उसके बाद आगे की प्रोडक्शन आप स्टार्ट कीजिए। संडे आप में से किन किन लोगों ने क्लास अटेंड की थी, बेसिक की, जिसमें बेसिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया गया? मैडम पूरी नहीं की थी। कैसी लगी आपको? हाँ, मैंने की थी अटेंड क्लास। बढ़िया लगी, बढ़िया लगी मैडम। आप में से जो भी कोई इंटरेस्टेड हो तो हमारी अभी ऑफर वो चल रही है, आपको बेसिक का उसके अंदर फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसमें एडवांस कोर्सेज लेंगे जिसके अंदर आपको 16+ ट्रिक्स दी जाएंगी, जिसके बेस पे आप न्यूरोलॉजी की एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हो। उसके अंदर न्यूमरोलॉजी आपको फ्री दिया जाएगा, नेम न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स है। तो कैसे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ नेम नंबर को कंपैटिबल कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो नेम नंबर ही है। अगर आपका नेम नंबर करेक्ट नंबर पे है तो लाइफ की जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाता है, 90% उसी पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी मैडम, जैसे हमारा टोटल जो कोर्स की फीस है बेसिक प्लस एडवांस की 7500 है, तो जो विमान वास्तु के प्लेटफॉर्म पे हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके लिए हमने ऑफर निकाली है ना 5100, तो उसके अंदर एडवांस प्लस बेसिक सारा है। कैसे आपने इसकी कैलकुलेशन लगानी है, सारे 1 to 9 जो नंबर्स हैं जो भी प्लैनेट्स के साथ वो हैं तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बेसिक ट्रेड्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेड्स और कंपेटेबिलिटी हर एक प्लैनेट की, जैसे सूर्य की चंद्रमा के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, ऐसे ही 2 की 1 to 9 सबके साथ, 3 की 1 to 9 सबके साथ। और उसके अंदर ये है कि जो रिवाइज जो हमारे नेक्स्ट मतलब ये था जो प्रैक्टिकल हमारे पास जो आ रही हैं उसके बेस पे जैसे जैसे है वो अपडेट किया हुआ है सारा, जो 81 कम्बिनेशन है वो अपडेट किए हुए हैं सारे, तो उसके बेस पे आप सारी प्रेडिक्शंस इजीली कर सकते हो।
बाकी आपने अगर कोई भी वास्तु से या प्रश्न लगन से रिलेटेड जो आपको होता है कि इमीडिएट आपको रिजल्ट चाहिए, तो विवान सर हैं, उनसे आप कंसल्टेशन दे सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, सर करें स्टार्ट आज। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आज का क्वेश्चन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ओके थैंक यू। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। मैडम बेटी बारे पता करना थी मेरा क्या? हेलो, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। हेलो मैडम, बेटी बारे पूछना थी क्या? हाँ जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ, 6/6/2002। नाम? जशनप्रीत कौर। बेटी दूसरे कमरे में था मैडम। बात हो सकती है मेरी उनसे? बस कुछ करवा दो मैडम, 2 मिनट लगेंगे, बस मैं कम देख लेता हूँ। कोई बात, क्या पूछना, क्या आपने उनके बारे में? बेटी के दूसरे बारे में मैडम, बार ना कई बार ट्राई कर सकते, फिर कड़े आ रही इंटरव्यू नहीं, डेट नहीं मिला रही। अगर आप तो मार्च के बाद ट्राई करते हो ना, तब हो जाएगा काम। स्टडी वेस्ट ही जाना ना उन्होंने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मार्च के बाद हो जाएगा। सवा साल हो गया मैडम, मैं तक खा दिया ना, बहुत पैसा खराब कर लिया। एक्चुअली 2 साल तो 21 और 22 तो बहुत कम स्कोप था, ना के बराबर। ठीक है, मार्च के बाद उसके हो जाएगा। मैडम हूँ फाइल लानी है, पर हूँ कि जनवरी इनटेक की लाने का विचार थी? नहीं, जनवरी इनटेक की। अच्छा, मेरी एक्चुअली तुम मेरी उन्होंने गल करा सकते हो? हाँ जी मैडम, मैं दोबारे गल करवा देना, मैं जितना हूँ जाके करवा देना। ठीक है ठीक है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है, आप अपना नंबर भी प्ले करते चले इनके साथ, आप शेयर करते चले नंबर भी अपना। ओके मैम, हस्बैंड के बारे में पूछना था मैम। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1969। मम्मी ने क्या पूछ लिया उनके बारे में? अपना भी बताऊं कंपैटिबिलिटी के लिए? मैम आपने मैच मेकिंग करानी है अभी? अभी मैं सेपरेशन में हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। बोलिए बोलिए। 6/2/62 6/2/1974 1974 शादी को 26 साल हो चुके हैं। इशू क्या आ रहा है? फिडेलिटी का ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। इशू आ रहा है कि किसी और लेडी के साथ उनका, वो मुझे और बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं बड़े बड़े, बड़ा बेटा 25 साल का है, छोटा 20 साल का है। नाम बोलो। जी मैम, मैम आपने आगे मैम क्या है फ्यूचर? मैम
इन फ्यूचर ये है कि अगर उन्होंने प्लान कर ही लिया, उनका नेम नंबर ही है, गड़बड़ तो वहीं पे है मैं ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, और ये रिलेशन उनका आज का तो है नहीं, है तो पहले का है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पर्सनली करो तो ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्रेडिक्शंस करने में। मैम उसका नंबर भी है, अगर आप बोलते हो तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ दे देती हूँ। मैम आप मेरे को पर्सनली कॉल करो, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9880567 9880567 567 90, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैडम, हाँ जी। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना था, मेरा लड़के का इसके बारे में पूछना, उसकी उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 2000 11/11/2000। दोबारा बोलिए, थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। 11/11/2000 11/11/2000 तो कुछ भी नहीं करता मैडम, मतलब वो 12वीं कक्षा पास है लेकिन कुछ करता नहीं। बेटी क्या आपके? हाँ हाँ बेटा है, बेटा लड़का है। हाँ बात करवाएंगे आप क्या आपके पास में? एक मिनट मैं देखता जा रहा, दो मिनट। मस्त बात कर। हेलो मैडम, ये आ गए। हाँ जी, क्या करते हो आप, पढ़ते हो अभी? नहीं चला गया मैडम, वो ऐसा है वो कुछ सुनता ही नहीं। प्रोफेसर बताइए अब कैसे चलेगा? वही तो बात है ना कि मैं सोचा कुछ हालात बदल जाएंगे, यही है बस, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। चलो भगवान करेंगे, बाकी आप सर से बात कर लेना, वो आपको सब बता देंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत करने से सर प्रश्न कुंडली लगा लेंगे या वास्तु को आपका देख कर बता देंगे। अच्छा अच्छा, अभी मेरे से कुछ बात नहीं हो रहा तो आप सर से बात कर। हाँ हाँ चलिए। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, मेरी डॉटर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 2008। हाँ जी 13/11/2008 okay. ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਤਾ ਤਾਂ ਪੈ ਫੋਕਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਤਾ ਤਾਂ ਪੈ ਫੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਅਭੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ? ਮੈਮ 9th ਮੈਂ। उसको मैम हेडेक भी रहता है और बहुत लेजी फील करती है और थोड़ा गायनोकोलॉजिक प्रॉब्लम भी है। हाँ उसको गायनोलॉजिक वही प्रॉब्लम। हाँ जी मैम, तो जैसे उसके कार्मिक नंबर पे ही है, उसकी डेस्टिनी और बेसिक नंबर भी, तो कुछ बताइए इसके लिए। अभी तो उसका चल रहा है, पहले से तो बेटर है, वो लास्ट ईयर उसको ज्यादा प्रॉब्लम आई थी।
मैम लास्ट ईयर से ये गायनेक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको। लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है ना? हाँ जी लास्ट ईयर, और अभी भी बीच में वो प्रॉब्लम चलती ही रहती है। नाम क्या है मैम उसका? मैम उसका नाम है इश्नी अग्रवाल, आई एस एच एन आई। थोड़ी बात करने के लिए मेरे को बताओ इश्नी जी। मैम मैम नेम की वाइब्रेशन ठीक है? नेम की वाइब्रेशंस तो मैम ठीक है उसकी, और स्टडी में भी उसका ठीक ही जाएगा। मैम हेल्थ का मेन है उसका। हाँ हेल्थ का मेन है वो, आप मेरे से बात कर लेना मैं बता देती हूँ। बात नंबर बता दी 9880 जी मैम। 567 हाँ जी मैम। 90 9880 56790 हाँ जी 56790 ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है, स्टडीज में भी ठीक जाएगा। मैम जैसे कहते हैं ना एन आई की साउंड अच्छी नहीं होती, एस एच से भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका मुझे फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर देना, कल हम बात करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी जी। हाँ मेरा नाम संजय चौधरी है। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 23rd July 1972। हाँ जी 23rd July 1972। सर अपना चेहरा दिखाओगे तो बढ़िया है प्लीज। मैडम मैडम जो अपना फेस दिखाएगा ना, कैमरा अभी फेस दिखाएगा तो उसको प्रोडक्शन करो, नहीं तो नहीं करो। सर रिजल्ट भी उसी के अंदर आना है जो फेस दिखाएंगे, वाइब्रेशंस तो उन्हीं की आनी है। ओके 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 जी मैडम। मेरे दो क्वेश्चन है जी बोलिए। पहले तो एक मेरा बिजनेस जो है काम काफ़ी दो तीन सालों से काफ़ी डाउन चल रहा है, और फिजिकल भी मतलब तो बीमारी शुगर बीपी की भी प्रॉब्लम है, मुझे शरीर से भी दिक्कत है और काम भी दिक्कत है। हाँ जी काम से तो आपको दो तीन साल से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी हाँ जी लास्ट ईयर भी ऐसा ही गया, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ। हाँ जी हाँ जी। और आप एक ही काम में हो शुरू से या चेंज भी किया है, एक से ज्यादा काम? नहीं काम तो बहुत सारे चेंज किए हैं, मगर पिछले कुछ सालों से एक ही काम में हूँ, पिछले 20-21 सालों से। नहीं काम आपने कई चेंज किए हैं लाइफ के अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नाम क्या है आपका? संजय। आधार कार्ड पे यही नाम है? हाँ जी। अरे संजय या कुछ और भी लगाते हैं सर? संजय चौधरी। अभी आप क्या काम करते हैं? हाँ मैं मैरिज ब्यूरो करता हूँ। मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो ठीक है सर। तो एक नंबर बोलिए आप, 1 से 9 के बीच में। 5 5। काम तो आपका आ जाएगा सेट, लेकिन मार्च के बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी। ठीक है जी। और फिर शरीर का ने चलेगा, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। आप लगाओ नेक्स्ट मई तक आपका सेटल हो जाएगा सर। ठीक है। और शरीर की काफी दिक्कतें आ रही हैं। वो तो है, आपको हेल्थ इशू थोड़े से हैं, वो आपको नवंबर के बाद कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी ठीक है। कोई उपाय वगैरह कोई? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ज्वाइन, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। ओके ओके सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9880। मैं आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं वहाँ से देख लेता हूँ। ओके सर कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी बोलिए मैम। मैम मेरा नाम जशनप्रीत कौर। हाँ
नंबर क्या है आपकी? 6 2 क्या करते हो आप? कुछ नहीं, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मैम। प्लस टू तो बाद कुछ नहीं किया, आईलेट्स किया सीगा। हाँ जी, माइक थोड़ा पास में कर लो। कट गया तो बाद थोड़ा यूना पिक आपकी आवाज बेटा क्लियर नहीं आ रही। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। चलो हम थोड़ी देर रुक के करें, माता आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मैम। मैम हुन आ रही है मैम? हाँ पहले से ठीक है। मैम हम यूके में अप्लाई किया था मैम, बहुत बार अप्लाई किया पर मैम कुछ बंद है नहीं, रुकावट ही आई जाती है मैम। 2021 प्लस 2 की थी मैम, लास्ट ईयर प्लस 2 करी थी। हाँ जी, कोई भी ना तीन नंबर बोलिए, 109 के बीच, 1 से 9 के बीच में कोई भी तीन नंबर बोलिए। 10 6 9 मैम। क्या मैम? काउंट कब लगानी है आपने? मैम 0 प्लस 2 कितनी हो तो बाद ही लाया सीगा मैम, उस बार लगातार लाई जाने नेक्स्ट इनटेक पर कुछ बन नहीं रहा मैम। ठीक है, अच्छा कोई भी एक नंबर बोलिए, 9 से 1 और 9 के बीच में। 9 मैम। ये साल तो आपका मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मैम। कुछ हाल है नहीं मैम, मेरा बहुत गैप पई आंदा गा, डिप्रेशन च रहनी मैं, बहुत टेंशन रहनी है। आप ना मुझे कल फोन कर लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके मैम। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे, क्योंकि आपका ना नेम नंबर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ज्यादा दिक्कत नेम नंबर से ही आ रही है। वैसे हो जाएगा लेकिन ये साल नहीं, मेरे को मैम कोई हाल हो गया होगा मैम। आप मुझे कल ठीक है मैम नंबर मैम। हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9880 567 90। नमस्कार मैम जी। मैम नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए मैम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। मैम 2012 2007। प्लीज मैडम आप से एक रिक्वेस्ट है अंजना मैम, आप पूछे उनका शहर कौन सा, आप ये देखो कौन कहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो प्लीज कोशिश करें उनका शहर पूछे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर। ओके मैम। हाँ जी ज्योति मैम, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। अब देख लो आपसे 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, ठीक है मैम, तो प्लीज कोशिश करें उनसे पूछे, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। जी मैम क्या पूछना आपने? मैम उसको बाय बर्थ पे थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं। ओके नहीं मैम, वही चीज़ है उसको। हाँ वो उनको है हेल्थ। नाम क्या है उनका? लविश बत्रा। ओ शकल में भी हाँ
क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम उनको? मैम उसको ना बाय बर्थ ही उसको प्रॉब्लम है, वो यूरिन बीच में उसका होता है तो वो डाइपर पहनता है। आज वो 15 साल का हो जाएगा दिसंबर में। हाँ जी मैम, और उसका आगे स्टडी का भी फ्यूचर का भी बता देना। हम रेंटेड हैं, फिर भी आप को ना हम कितने देर से ये वाले घर में, आप कितनी देर से? हम 3 साल से हैं। 3 साल से? तो फिर मैम 3 साल के अंदर पूरा इफेक्ट आता है। अच्छा, ठीक है मैम, हम चेक करवा लेंगे बात हुआ। हाँ, वो आप सर से बात कर लेना, बाकी इनका ना नेम नंबर सेट करने वाला है। वो कैसे होगा मैम? वो मैम आप मेरे को कल फोन कर लेना। जी मैम, अपना व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए। 9880 9880 567 567 90 90, ठीक है। और मैम एक आप काम किया कीजिए, इनसे ना चिड़ियों की सेवा करवाओ आप। ठीक है मैम, दाना डलवाया इनसे। हाँ, ये पास्ट लाइफ इनका जो है ना वो डट रहता है इनका। हाँ जी। और मैम इसका स्टडी का कैसा रहेगा? स्टडी का तो मैम हो जाएगा, कंसंट्रेशन थोड़ी हेल्थ इशू भी है ना उसकी वजह से भी है। हाँ जी हाँ जी, उसको मैम ओपन से हम लोग ना 10th करवा रहे हैं। वो तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मैम, क्योंकि आपके हाँ उनका फेब के बाद ही आने हैं ना एग्जाम, तो वो ये नेक्स्ट वीक का स्पिट के लिए अच्छा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम, कल आपको मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करती हूँ। ठीक ओके मैम। हाँ जी बोलिए सुषमा मैम, आप काफ़ी देर से हो। हाँ जी मैम बोलिए बोलिए। बेटे के बारे में पूछना है मैम। हाँ जी बोलिए मैम, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? आवाज मैम, कहाँ कहाँ से हो मैडम, कहाँ से हो? अप्रैल 2000 मैम। आपकी आवाज़ की लड़ी आपको महाराष्ट्र 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 से दिल्ली से महाराष्ट्र से महाराष्ट्र से हूँ। ओके ओके मैम, अब बोलिए डेट ऑफ बर्थ। 18 अप्रैल 2000 जी मैम। जी मैम बोलिए मैम, क्या पूछना आपने? अभी उसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर रहा, तो हम बोल रहे करने के लिए। और उसको 2 साल से ना हेल्थ स्किन का प्रॉब्लम हो गया है अचानक से, उसके मतलब फेस पर सफ़ेद ये आ गए पैच। ओके मैम, ये प्रॉब्लम मैम कब शुरू हुई है उनको? 2019 से हो गए, नवंबर के बाद। अभी बढ़ मतलब बढ़ गई है, अब रुकी हुई है, अभी थोड़ा सा 2-3 पैच आ गए उसके, हेयर भी सफ़ेद हो गई उसकी, बस फोर एट की। मैम 2015 कैसा गया था इनका? ठीक ठाक, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत परेशान करता है। हाँ। उसने 2-3 स्कूल भी चेंज किए में किया ना मैम, तब उनका इवेंट आ रहा था। हाँ, 14-15 में इवेंट आ रहा था, 14 मिनट से लेके 15 मिनट तक।
मैडम ये है कि प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करती है लेकिन करते कुछ नहीं है ना, डीप थिंकिंग करते हैं लेकिन वो नेगेटिव है, ये भी कर लेंगे, आपने बोल दिया हाँ कर लेंगे लेकिन करना कुछ नहीं है। नाम भी बोलिए, इनका नेम क्या है? केतन। पूरा नाम बताना। केतन, केतन लिजा, केतन सुनील पवार लिजा। समझ गई मैडम, ज्यादातर बात के साथ नहीं रहता वो, मेरे मतलब ननिहाल रहता है वो। क्या करना पड़े मैम, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना इनका नेम, नेम टोटल नेम जो आधार कार्ड के ऊपर है और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेंड कर देना। अब उम्मीद है मैं पढ़ी तो मैं ठीक है मैम। तो जो आप स्किन स्किन प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, आप रेंटेड हाउस में हो या आपका ऑन हाउस है? नहीं रेंटेड हाउस में पहले रहे, मतलब रेंटेड हाउस पे ही रहते हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते तो उनका ट्रांसफर रहता है तो हर दो तीन साल में घर बदलना पड़ता है। ओके आप एक बार ना सर से बात कर लेना, क्योंकि जो स्किन इशू ये आप बता रहे हो ना क्योरेबल है ऐसा नहीं है, थोड़ा डिले हो जाता है, टाइम ले लेता थोड़ा रिकवरी में, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा इनका। एक बार आप सर से कंसल्टेशन ले लेना, चाहे उनसे सजेशन ले लेना, जैसा सर को कैसे कॉन्टेक्ट करना है, सर को कैसे कॉन्टेक्ट करना है। हाँ जी सर, आपका नंबर जैसे मैडम आपको नंबर मिला है ना जिस पर लिंक आया आपका, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो 9883 9883 54171। 9883 54171। हाँ जी ओके। टाइम क्या 9 से 6। उसके है 9 जनवरी 1992। हाँ जी सर, मैम इसकी मैरिज के लिए पूछना था कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी मैरिज में, हो नहीं है, रिश्ते तो काफ़ी आते हैं चले जाते हैं। मैम लास्ट 2 ईयर से आपके पास अच्छे रिश्ते आए होंगे? रिश्ते तो बहुत आए मैम, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं परंतु ठहरते नहीं हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैम इनका कोई हेल्थ इशू भी है? नहीं मैम। इस साल कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं। बस ये साल थोड़ा सा इनका ध्यान से चलने वाला, कई बार होता है बस खरोंच भी आती है लेकिन आ जाती है ये वाले साल। अच्छा ठीक है, 6 कैपिटल टाइम है थोड़ा सा ऐसा। बाकी इनकी मैरिज तो रिश्ते तो लास्ट ईयर भी अच्छे आए होंगे? मैम रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर ठहरते नहीं है, चले जाते हैं वो। अच्छा मना कौन करता है, आप करते हो कि लड़की वाले करते हैं? लड़की वाले करते हैं और अजीब अजीब से उनके वो होते हैं कि बच्चे ने खाली इंजीनियरिंग की है, फादर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है उनकी तरफ से, समझ नहीं आती, अजीब अजीब से जवाब देते जाते हैं। मैम नाम बोलिए। इसका नाम है आकाश गुप्ता। लड़की वालों के लॉजिक बहुत अजीब से होते हैं मैम, समझ में नहीं आता। बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखी है फिर भी कहते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन अच्छी नहीं है। मैम इसका नेम नंबर सेट करने वाला है? नेम नंबर सेट करना पड़ेगा क्योंकि
अगर रिश्ता होता भी है ना तो इनको दिक्कत आएगी आगे सेट होने में। तो मैम जैसे इसका नेम नंबर कितने पे लाना चाहिए? मैम इसका 37 पे आ रहा है। ओके तो हमें कितने? हाँ हाँ तो ये अभी देखो आपकी डिमांड क्या है, मैरिज है ना, तो मैरिज के लिए जो नंबर चाहिए दोनों मिसिंग है यहाँ पे। हाँ जी ठीक है, तो कंपैटिबल नंबर देख के हम उसके ऊपर लेके आएंगे। ओके ठीक है, उसके लिए तो फिर इनका मैम चार्ट बनेगा ना पूरा। ठीक है मैम, क्योंकि जो हिडन नंबर भी हैं वो भी रिकवर नहीं कर रहे हैं उनको। तो इसकी मैरिज का योग कब तक बनता है वैसे? मैरिज के मैम लास्ट 2 इयर्स से बहुत अच्छे निकले हैं और हो जाना चाहिए था, अभी ये साल भी है लगता है मुझे हो जाएगा नवंबर के बाद। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कोई रेमेडी कर सकते हैं? मैम आप मुझे कल फोन कर लेना, पहले तो इनका नेम नंबर ही ऑब्स्टेकल दे रहा है। ऑब्स्टेकल नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि वो कंपेयर अब नंबर ही मिसिंग है तो वो तो क्रिएट करने पड़ेंगे, इनको गुस्सा भी बहुत आता है तो वो सब उसी सेटिंग तो करनी पड़ेगी मैम। ओके मैम, मुझे वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके मैम, हाँ जी बोलिए मैम। अपना मैं ठीक है, थैंक यू मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, नहीं आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब आ रही मैम? हाँ जी अभी आ रही। हाँ जी नमस्ते मैम। मैम ये पूछना था कि मैम शादी से पहले मेरा शालिनी रस्तोगी था और मैम शादी के बाद शालिनी चक्रवर्ती हुआ है, तो मैम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैम देखिए कि मैम हेल्थ इश्यूज शादी के बाद काफ़ी आ रहे हैं, तो मैम क्या सूटेबल है मैम? हाँ डेट ऑफ बर्थ इज मैम 3/2/1978 78 जी मैम। क्वालिफिकेशन से मैम करंटली एनजीओ में काम कर रही हूं। एनजीओ में काम कर रही हूं। आप वैसे कहां से हो? मैम यूपी से। यूपी से? हां मैम ओरिजिनली मैम मदर बरेली साइड की है, फादर मेरठ साइड के। ओके आज देखो हमारे पास यूपी भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया अभी तक। मैरिड लाइफ मैम आपकी ठीक चल रही है? मैम होते रहते हैं लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं लेकिन मैम ये है कि हाँ प्यार है बहुत, मतलब वही है कि मैम एक्चुअली वो भी बहुत एग्रेसिव है, मैं भी बहुत मतलब बोलने में ना लड़ाई झगड़ा खुद मैम मैं बहुत होती हूँ। आप क्या करते हैं? मैम मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, MSc किया हुआ है लेकिन बच्चे होने के बाद से जॉब छोड़ी हुई मैम, काफ़ी टाइम हो गया। नाम बोलिए आपका। मैम मेरा शालिनी रस्तोगी SHALINI RASTOGI। शादी के बाद वाला नाम चलेगा मैम? हाँ मैम शादी के शालिनी हो गया और CHA बोलिए RAPARTY। मैम इशू वही है आपका भी, आपका भी नेम नंबर ना इसको नहीं कंपैटिबल नहीं है बस। तो मैम नेम नंबर की वजह से हेल्थ इश्यूज हैं? आ तो उसी की वजह से नहीं है। मैम और ये मैम शालू अगर करा जाए मैम क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी, मतलब किसी ने बोला नी हटाओ शालू के हिसाब से भी सही नहीं आ रहा ना? नहीं मैम एक्चुअली पता क्या, जो आपका नाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो नहीं है, उसकी वाइब्रेशंस ही मिलेंगी ना। अच्छा तो मैम ये जो नेम करेक्शन करेंगे तो फिर मैम इसकी वाइब्रेशन? हाँ उसकी वाइब्रेशन ये है कि उसको एक्टिवेट करेंगे, वो आपको प्रोसेस करा देंगे।
हाँ हाँ मैम वो राइटिंग और वो जो कॉपी करता है हाँ वो प्रोसेस बता देंगे आपको। और सेकंडली ये क्या है कि जैसे मैं करती हूँ तो मैं उसके साथ आपको ग्राफोलॉजी का ऐड करके देती हूँ। अच्छा जिसमें आपकी हैंडराइटिंग आ जाती है ना। हाँ जी हाँ जी हैंडराइटिंग और हाँ वो तो उसमें क्या है जो आपका माइंड का प्रोसेस है वो आपके न्यूरॉन्स हैं जैसी आपकी थिंकिंग है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी जो आपकी डिमांड। एक्चुअली ये शालिनी मैडम ना बहुत एक्सपर्ट मैडम है। नहीं सर कहाँ अभी 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 आपको मैं मैडम की वीडियो भेजता हूँ आप चेक करना बहुत एक्सपर्ट है मैडम बहुत एक्सपर्ट है। अभी भेजता हूँ अभी मैडम के पास भेजूँगा आपको भी सेंड कर दूँगा। आप मेरे को आपने मेरे को भी पर्सनल मैसेज नहीं किया अभी मैं निकाल कर भेजता हूँ आपको। ठीक है अंजना मैडम जी जी सर ओके आगे आगे के क्वेश्चन शेयर कीजिए आप अभी मैडम शाले मेरे से क्वेश्चन बाद में होगा मैं तो फ्री रहता हूँ मैं तो फ्री रहता हूँ। नहीं 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 मैडम नहीं मैडम एक्सपर्ट तो आप हो मैडम एक्सपर्ट आप हो आपको अपनी वीडियो भेजता हूँ उसके बाद मेरे से क्वेश्चन करना। अभी आपको सभी को भेजूंगा अभी सभी के क्वेश्चन होने के बाद मेरे को मैसेज कर लेना। ठीक है मैम आगे आगे जिनके बाहर घुंघराले होते हैं ना उनके पास पैसा बहुत होता है आपको पता है अंजना मैडम अभी हम नहीं समय खराब करेंगे मैडम के साथ वही मैडम बहुत एक्सपर्ट है टेंशन ना लो सब पता है मेरे को सब पता है। तो अभी और किसी के साथ आप बात करें तो बढ़िया मैडम को जरूरत होगी तो हमें कॉल कर लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं। ओके मैम ठीक है मैम ओके 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 हाँ जी हेलो हाँ जी मैम मेरा नाम रुबी है मैं लुधियाना से हूँ मेरा ये क्वेश्चन है मेरी प्लीज मैडम चेहरा दिखाइए अपना उससे पहले बात नहीं होगी। हेलो हाँ जी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर 1980 रात्रि को मेरा जन्म हुआ है कालका में हुआ है मेरा बर्थ जन्म। मैम मुझे डेट ऑफ बर्थ और नाम चाहिए। 22 सितंबर 1980 नाम है रुबी। 22 जी बोलिए मैम बताइए आप मैम आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा स्वास्थ्य के ऊपर है और आगे क्या करूंगी मैं लाइफ में। अभी मैम आप क्या कर रहे हो। अभी मैम मैं न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रही हूँ न्यूट्रिशन सेल करती हूँ वैसे मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा जो ऑनलाइन करते हैं मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसके अंदर ठीक है मैम। मैम नाम बोलिए अपना। रुबी यही नाम है आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी। हाँ जी हाँ जी यही नाम। ठीक है मैम कैसा चल रहा है आपका काम। बस मतलब 2 महीने से कुछ खास नहीं मतलब स्टॉप है। जी मैम आपका भी नेम नंबर नहीं सही आ रहा तो मतलब क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो मेरे को ऑब्स्टेकल शो कर रही है। अच्छा मेनली आपको राहु की अड़चने आ रही है। हाँ जी ठीक है तो या तो आप अगर तो आप लुधियाना से हो तो आप विजिट भी कर सकते हो मेरे पास कभी भी आके मिल लेना नहीं तो मुझे फोन पे बात कर लेना। आप लुधियाना से हो आप। जी मैम मेरे को नंबर दे दो अपना मैं आ सकती हूँ आपके पास।
ओके मैम, मेरा फ़ोन नंबर है 9880 9880567 5 6 7 5 9 0. ओके मैम, स्वास्थ्य के बारे में मैम जी, मैम मैम मेरी कुंडली में स्वास्थ्य के बारे में बताया ना, तो मैम कोई बात नहीं, जब आएंगे तब बात करते हैं, क्या नेम नंबर तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। अच्छा, तो मैम क्या नेम नंबर चेंज करना पड़ेगा कि मैम आप आएंगे फिर, या तो आप मुझे कल फोन पे कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना मेरे को, पहले मैसेज कर देना मैम। ठीक है मैम, टाइम में आप जैसा मेरे पास अवेलेबल होगा वो आपको दे दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो मैडम से पूछ लीजिए, अभी आपके पास 10 से 15 मिनट पड़े हैं। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1973। आप कहाँ से हो सर? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। ओके सर, 20 जुलाई 1973 1973 सर, बोलिए क्या क्वेश्चन आपका? कोविड में बिजली डिस्टर्ब हो गया, का काम था। प्रणव राय काबरा। PRAHLAD राय RAIKABRA। प्रहलाद राय आप इकट्ठा लिखते हो कि अलग अलग लिखते हो? नहीं, तीनों अलग अलग हैं, प्रहलाद एक, राय एक, काबरा एक। काम में जो चल रहा था, हाँ इसी में हो जाएगा। नए काम की कोई बैठ सकती है लाइन, ऐसा कुछ लगता है कि आने वाले टाइम में एडिशन में कोई दूसरा काम? देखिए आपने काम तो वैसे भी आपने एक से ज्यादा, पहले क्या करते थे इसी लाइन में हो शुरू से? हाँ इसी लाइन में हूँ ऑलमोस्ट। तो फिर सर आपकी लाइन तो चेंज होगी? हाँ होगी, कब तक हो जाएगी सर? आप ट्राई कीजिए, ये टाइम आपका अच्छा ही चल रहा है, अगर इसमें आप ट्राई करते हो आगे सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हो जाएगा स्टार्ट, आप थोड़े से एफर्ट डालिए, कुछ आपका नेम नंबर भी सब गलत नंबर पे आ रहा। ओके सर, सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सर, हाँ जी बोलिए। हाँ जी हेलो बोलिए, प्रीति ने प्रीति जी 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 बोले हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए प्रीति विवेक जी जी जी, नेम बोले और डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ जी नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी बोल जी, नेम शाश्वत त्रिवेदी। हाँ जी, और
डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 2006 क्या करते हो आप? ये मेरा मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड सवाल है, मतलब स्कूल से रिलेटेड। कौन सी क्लास में हो, क्या कर रहे हो? जी मैं 11th क्लास में हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना आपको? जी जी, पहला मुझे ये क्वेश्चन मतलब कि ये है कि 11th का मतलब कि रिजल्ट कैसा होगा, मतलब 11th का रिजल्ट कैसा होगा, मतलब अच्छा जाएगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा ही जाएगा, टाइम आपका अच्छा ही चल रहा है स्टडी के लिए। लेकिन ये है कि आपको कंसंट्रेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और मतलब कि मेरा एक और क्वेश्चन है, मतलब कि मतलब कि मुझसे मतलब कि मेरे मतलब कि देख मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मतलब कि तो मतलब कि मेरा जी जी मेरा मतलब कि कोई मतलब कि फ्रेंड नहीं, मतलब कि अभी जो फ्रेंड नहीं होता फ्रेंड दोस्त, मतलब तो मतलब कि मेरा कोई मतलब कि मेरा मतलब कि मेरा कोई मतलब कि दोस्त नहीं है, तो मतलब कि ऐसा क्यों है, मतलब मेरा मतलब है कि कोई बनता नहीं है। अगर आप उनके साथ अच्छे से निभाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर आपके अच्छे हैं, सपोर्ट भी अच्छी है, फ्रेंड्स अगर आपका फ्रेंड सर्कल आप रखते हो बढ़िया तो आपका सपोर्ट भी करेंगे। जी जी जी, मतलब कि मैं लेकिन मैं देखो जो मेरे दोस्त है मैं उनकी मतलब कि मदद भी करता हूँ, हर दोस्त मेरे साथ सपोर्ट करके चला जाता है। शाश्वत त्रिवेदी है ना, स्पेलिंग बोलो जरा। एस एस ए एस एच ए एच ए S H S H W A T ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उनके साथ सेटिंग अच्छी करके चलोगे तो चलेगा। ओके ओके जी, चलिए सर नेक्स्ट ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी मैम, मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 2696 है। 2696 1996, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, रंजीत कौर मैम। ठीक है, कहाँ से हो आप? मैम मोगा। मोगा, हाँ जी जी बोलिए। मैम मैं अपनी लाइफ से स्ट्रगल बहुत कर रही हूँ, बट मैनू कोई वो नहीं मिलता। जे मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैनू स्टडी मेरा एंड नहीं हो हों, भी जो आप कह दिए कि जो मैं आइलेट्स कर लगी सी वो अद्ध च रह गया, हम जे मैं बाहर अप्लाई कर रही हूँ दुबई लिए तो वह नहीं मेरा कोई भी बन रहा गा, जे कुछ होर कोई इतने इंडिया जॉब लभ रही है तो मैं उतने नहीं कोई मिल रहा, ज मेरा काम एंड तक नहीं पहुँचता, जो बिच विचाले जन कि एंड तो जो पहुँचता तो थोड़ा टाइम नहीं पहुँचता तो जो बिच विचाले रह जाता। 2019 कैसा गया था आपको? नहीं ठीक से मैम, मैं बाहर जाके भी आई थी मैम 19 गए थे। हाँ जी हाँ जी मैम, और हाँ जी दोबारा ट्राई कर रहे हो? हाँ जी मैम। नाम बोलिए थोड़ा। रंजीत कौर मैम, RNGIT। पासपोर्ट तो यही नाम है ना? हाँ जी मैम, उत्ते मैम मेरा रंजीत कौर ठेठी है, मेरा सरनेम लगा हुआ है इधरला अपने इन-लॉज का। हाँ जी मैम, देखो जी अड़चन आ रही ने ना, जे तो आप रंजीत कौर देख रहे हैं तो उसे तक तो ठीक है, जो आप टोटल नाम करते हैं तो वो कंपैटिबल नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके मैम, टोटल रख दे नंबर ते आ रहा है जिसके करके अड़चन आ रही है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। नेम करेक्शन करनी होगी तो मैं कॉल कर लियो, कल पक्की है कि थोड़ा टाइम ही ठीक स्टार्ट होया?
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਐਫਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੈਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ अभी 15 मिनट और लगा लो नहीं तो फिर उसके बाद अभी एक दो जने के क्वेश्चन क्लियर कर लो उसके बाद हम क्लियर करते हैं ठीक है मैम अभी एक दो क्वेश्चन ले लो बस हाँ जी मैम मैंने हस्बैंड के बारे में पूछना है हाँ जी बोलिए उन्होंने डेट ऑफ बर्थ 14/8/1999 1989 हाँ जी 1989 हाँ जी मैम आप भी मौका से ही हो हाँ जी मैम जी मैम क्या पूछना आपने क्या मैडम आपको आवाज से पता लग गया क्या हुआ यस मैम मोगा रविंदर सिंह नहीं 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 आपको कैसे पता लगा ये मोगा से हैं सर मोगा की वाइब्रेशन आ जाती है ना ओके ओके मैम ये सेम कांटेक्ट रविंदर सिंह मैम आप सेम कांटेक्ट से हो ना पहले भी इसी नंबर पे बात हो रही थी मोगा से यस हां सर सेम नंबर से अपने क्लास ला रहे रविंदर सिंह नाम है ना उनका हाँ जी मैम रविंदर सिंह हिट्टी उसी की वजह से अड़चन आ रही है मैम अगर आप करवा लो नेम करेक्शन तो बढ़िया है उनके लिए ठीक है मैम एक्चुअली मैम इनके इनके ना वेस्ट में ना टॉयलेट बनी हुई है उनको हमने ट्रीट करवा दिया है ठीक है ना अभी थोड़ा समय लगेगा बस सर फिर वही काम है इनका हाँ तो ऐसा है ये नॉर्थ ईस्ट के रूम में सो रहे थे अच्छा जी और इनको मैंने अभी साउथ वेस्ट के रूम में सुलाया है और साउथ साउथ ईस्ट के रूम में सुलाया है ठीक है ना नहीं वो तो मैंने बोल ही दिया हाँ तो सिमरन मैडम अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए हाँ जी हेलो हाँ जी मैडम सुनिए हेलो मैम नमस्कार नमस्कार मैम हाँ जी मैम मैं अपने मामा जी बारे पूछना सीगा मैम उन्हां दी ना मैरिज च अड़चन पैंदी पई है मैम आप कहाँ से हो मैम मोगे से हाँ जी हाँ जी मैम मैं ना अपने
मामा जी बारे पूछना सी, उन्हां दी ना मैरिज च अड़कना पै रही है जी, दो तीन रिश्ते आ मतलब कि उन्हां दे टुट गए रिश्ते, मतलब कि सिरे नहीं चढ़दा कोई रिश्ता। हाँ जी मैम, 8699 1999। हाँ जी, 1990 मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, मार्च की बार टाइम स्टार्ट हुआ था मेरे को। हाँ जी मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि जून का बर्तन है, 8 जून। हाँ जी मैम, जून के बाद हो जाएगा, जून के बाद हो जाएगा। इस ईयर मैम, ये वाला साल भी है, नेक्स्ट ईयर भी उनके पास, ये 1.5 साल में उनका हो जाएगा। राजी नहीं हो रहे गे। नाम बोलिए। जसपाल सिंह मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी मामा जी पास ही हैं जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। क्या अड़चन आ रही है आपको? अपने मैम अपना रास्ते एंगेजमेंट हुई है, मैं घट्टो घट्ट 5-7 बारी हो गई है, घट्टो घट्ट कोई ना कोई औकड़ पै जाती है, बिच रुकावट होती है जी। हाँ जी मैम, जानी दी अपना भी महीने का टाइम पाया सी बिच, जो भी पाते पापा जी की डैथ हो गई सी, एरकी दिन लाए तो उद्दू एरकी मासी जी चढ़ाई कर गई सी मेरी जी, उन्होंने डैथ हो गई जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरा जन्मदिन है आज, से लाभ मिल गया मेरे को, बोले कि आप बिजनेस करो, कैसे क्या करो जी सर? 19/7/1959 जन्म, रामजी लाल अग्रवाल। क्या पूछना है सर आपने? हाँ जी मैडम, बोलिए। राहुल जी, रमेश बोल रहे हैं जी। हाँ जी बोलिए रमेश जी। हाँ जी मैडम, मेरी एक बेटी कनेडा। हाँ जी। एक बेटी ते बेटा इंडिया। अच्छा जी। उन्हां दा काम कितने देर में बन जाएगा?